हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोशर्स दिखाकर बेवकूफ बनाया ना तुमने मुझे। हाँ, क्या कहा था? अच्छी होटल है, बाबा आदम के जमाने की होटल लग रही है। हमारी एनिवर्सरी के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें? मैम, आप एक दिन रुक के देखिए, आपको जाने का दिल नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ राशि, मैंने इनके होटल की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना है। यहाँ तक आ गए तो एक आध दिन रुक के देख लेते हैं ना। मेहमान नवाजी माई फुट, मैं यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए आई। कैरे Excuse me, आज कॉस्ट्यूम पार्टी है ना? वरना मेरा कॉस्ट्यूम तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आज ही पार्टी है। राशि, यहाँ से चलो। राशि देखो, वैसे भी तुम्हें होटल पसंद नहीं था ना, मैं तुम्हें दूसरे होटल में लेके चल रहा हूँ ना। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं, नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अरे अभी तो यहाँ रुकने की बात कर रहे थे तुम। राशि, मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ से चलो, मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें। I don't understand, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अभी तो कह रहे हो कि यहाँ रुकेंगे। Excuse me. Hello sir. Hello ma'am. Hello. मैं यहाँ की मैनेजर शीना हूँ। कोई problem? No, not at all. No problem. मैं आज रात यहीं रुकूंगी, समझे? तुम क्यों? सो, आप ठीक हैं? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नो थैंक्स। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो विरेन। कंचन, तुम? जी हाँ, मैं। और मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। हाँ, और ये मेरी फ्रेंड है सोनम, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है और मेरी फ्रेंड है। अरे हम तो यहाँ आज अपने इस कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए ऐसे तैयार हुए हैं। क्या भद्दा मजा गया है, हार्ट अटैक आ जाते तो। ओ, वैसे तुम इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं हो, क्यों? तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? हम भी उसी काम से आए हैं जिस काम से तुम यहाँ पर हो। वैसे तुम्हें क्या लगा, तुम हमें बुद्धू बना लोगे? इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। Let's go.
ये लोग तो लाश पे गिद्ध की तरह पीछे पड़े हैं। बच्ची क्या कह रहे हो विरेन? वो बच्ची जिसके नीचे पीछे लॉबी में बड़ी सी फोटो लगी। नीचे लॉबी में किसी बच्चे की तस्वीर लगी? मैंने तो नहीं देखा। लगी थी ना, तू देखा नहीं तुमने? तो किसी की होगी बच्ची, सजाने के लिए लगाई होगी। क्या कह रहे थे तुम उस बच्ची के बारे में? वो बच्ची मर चुकी है, मैंने अभी उसे कॉरिडोर में देखा। क्या हो गया तुम्हें विरेन? हाँ, जब वो बच्ची मर चुकी है तो फिर तुमने उसे कॉरिडोर में कैसे देखा? तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया विरेन। मैं राशि सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास। बस विरेन, पिछले एक साल से तुम्हारी बेवकूफियां झेल रही हूं मैं, अब और नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तैयार होके सीधा नीचे आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये लो राशि। राशि, हो सकता है राशि सही बोल रही हो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। चल बेटा वीरेन, तैयार हो जा, वरना ये राशि तुझे काशी पहुंचा के ही मानेगी। फिर हमारे बिजनेस में धोखाधड़ी की, वो एक बार मुझे उल्लू बना सकता है, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं बना सकता है। अब की बार तो झगड़ा भले ही हो जाए, लेकिन मैं अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगा। यहां हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं बात करती हूं उनसे, तुम कुछ मत कहना, ओके? ठीक, अगर आप कहती हैं तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। अब की बार अगर दोबारा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। हेलो विरेन,
जी तुम क्या हुआ उड़ गए तोते तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ आ नहीं सकता और तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना दोगे विरेन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए क्या बकवास कर रहे हो तुम आए और किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम अब वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा देखो विरेन मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं मुझे मेरा हिस्सा दे दो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते कौन था वो और किस बात की धमकी दे रहा था हाँ ये है तुमने हाँ मेरी कसम खाई थी कि आगे से कभी नहीं पियोगे फिर भी झूठे परे भी मक्का बस बस अब बहुत हो गया क्या क्या बहुत हो गया है अब तुम भी मुझे धमकी दे रही हो क्या ये क्या करोगी तुम्हें डाइवोर्स दोगे मुझे फिर यहां पे लोगे एंजॉय कर क्या हुआ राशि वो लड़की मर गई तो उसकी आत्मा हाँ? कौन सी लड़की क्या आत्मा विरेन क्या कह रहे हो तुम राशि विरेन संभालो अपने आप को संभालो सब देख रहे राशि वो राशि वो लड़की देता विरेन राशि वो लड़की देता विरेन 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 दरवाजा खोलो विरेन विरेन दरवाजा खोलो विरेन दरवाजा खोलो विरेन विरेन क्या हुआ भाभी क्या हुआ देखो ना विरेन दरवाजा नहीं खोल रहा है ये ऐसे कैसे हो गया लगता है पी गए तुम होगा तुम तो यही कहोगे है ना ऐसी बात नहीं है भाभी जी मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं मुझे सब पता है तुम ही ने विरेन को किसी बात के लिए धमकी दी है आप गलत समझ रही हैं भाभी जी जरूर तुम ही ने उसे कुछ खिला पिला दिया है और उस पर जादू टोना किया है इसीलिए तो वो कह रहा था कि उसे कोई आत्मा दिख रही है सब कुछ तुम्हारा क्या धरा है बस भाभी जी कह रहा हूं तो कुछ भी बोले जा रही है बिना वजह इल्जाम मत लगा विरेन को आत्मा दिखाई दी इसलिए नहीं कि मैंने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया उसको आत्मा इसलिए दिखाई दे रही है कि उसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है पति को तो संभाल नहीं सकती चलिए आई दूसरों पर इल्जाम लगाने क्या बोल रहा है यार विरेन विरेन दरवाजा खोलो ना क्या हुआ मैम कुछ प्रॉब्लम है देखिए ना मेरे पति दरवाजा नहीं खोल रहे और उन्हें किसी चीज से बहुत डर लग रहा है प्लीज कुछ कीजिए आप घबराइए मत इस रूम की मास्टर की लेकर आओ ठीक है मैडम भाभी जी क्या हुआ मैडम क्या हुआ दरवाजा अंदर से लॉक है मुझे बहुत घबराहट हो रही है अब क्या करेंगे दो भाई दरवाजा खोलो इतना छोटा सा खाओ ये किस कैलिबर की गोली हो सकती है सर निश्चय अगर गोली मारी होती तो घाव के आसपास का हिस्सा जल गया होता लगता है किसी पतले बारीक तेज हथियार से मारा ऐसे है
सर, सर खिड़की अंदर से बंद है, दरवाजा अंदर से बंद था, तो खून यहां से भागा कैसे? सर, सर ये देखिए, पैसे गहने वैसे के वैसे ही कबर्ड में पड़े हुए थे। सर लगता नहीं कि चोरी के लिए खून हुआ। सर अगर चोरी के लिए नहीं हुआ है तो फिर सारा सामान इस तरह से बिखरा हुआ क्यों? ऐसा लगता है कि खूनी यहाँ किसी खास चीज की तलाश में आया था, जो उसे मिल गया और वो लेके भाग गया यहाँ से। मगर सर ये कैसे हो सकता है? मतलब ये रूम का जो दरवाजा और खिड़की है ये तो अंदर से बंद है सर, के बाहर कैसे जा सकता है? सर हो सकता है कि इस रूम से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता हो। हो सकता है, जरा देखो इस कमरे से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता है क्या? यस सर। सर फिर हाथापाई के निशान भी नहीं थे। हाँ सर, और वीरेन पे जब खूनी ने वार किया होगा तो वो तड़पा होगा, यहाँ वहाँ भागा होगा, गिरा होगा, पर सर खून के छींटे तो कहीं और दिख नहीं रहे। इसे देख के ऐसे लगता है कि ये शराब के नशे में बेहोश था। खूनी कमरे के अंदर आया, उसने इस पे हमला किया और जिस चीज की तलाश में वो यहाँ पर आया था वो यहाँ से ढूंढ के लेके भाग गया। सर मगर वो बाहर गया कैसे? मतलब इस रूम से बाहर जाने के लिए कोई खुफिया रास्ता नहीं है सर। सर मुझे ऐसा लगता है उसने आत्महत्या की है सर। पंकज अगर ये खुदकुशी है तो वो हथियार कहाँ गया? एक बंद कमरे में से हथियार कैसे गायब हो सकता है? आप लोगों में से आखिरी बार वीरेन को जिंदा किसने देखा था? हाँ सर, वीरेन कुछ देर तक पार्टी में रहे और फिर वहां से अजीब तरीके से भाग गए। अजीब तरीके से भाग गए? एक्चुअली सर उसने बहुत पी रखी थी और पता नहीं क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो। आप कौन? मेरा नाम कुमार है सर और गारमेंट के बिजनेस में वीरेन मेरा पार्टनर है। सर वीरेन पार्टी में बहुत परेशान थे। सर सिर्फ पार्टी में नहीं, वो जब से यहाँ आए थे तब से परेशान थे। इनफैक्ट लॉबी में तो वो होटल छोड़ के जाने की भी बात कर रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हुआ था लॉबी में? उन्होंने एक छोटी बच्ची की तस्वीर देखी थी होटल के लॉबी में जो मर चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की उन्हें जिंदा दिखी होटल के कॉरिडोर में, इसलिए बहुत परेशान थे वो सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, वो बच्ची तो होटल के ओनर मिस्टर हर्षवर्धन की बेटी है और वो अब्रॉड गए हुए है। क्या वीरेन को पीने की लत लगी थी? हाँ सर, लेकिन उन्होंने एक साल पहले ही पीना छोड़ दिया था, फिर पता नहीं पार्टी में वो पी कर क्यों आए थे। मिस्टर कुमार, आप यहाँ वीरेन से पैसे लेने आए थे और इस बात को लेके आपकी बहस भी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी प्लानिंग आप ही की? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर सर ये इसके बेल्ट में कुछ है सर। बेल्ट में? जो उठो सर। तो ये है इसकी मौत का कारण, ये हीरे हमें बेल्ट से मिले वीरेन के, क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं सर, इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। खूनी ने वीरेन को मारा इन हीरों की वजह से, पर ये हीरे उनके हाथ नहीं लगे। आप लोग कुछ जानते हैं? आपने कहा था कि आपके पति को कोई धमका रहा था, वो आदमी यहां पर है? सर इस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं है। राशि जी उनका नाम मिस्टर रंजीत है राइट? हाँ सर वही थे। रंजीत कहाँ है रंजीत? सर मैंने उसे स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा है सर। स्टोर रूम? हाँ सर। राइट Thank you.
रंजीत चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे हो है? चल बाहर निकल। सर 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 मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा तो वीरेन को धमका क्यों रहा था तू? सर सर मैं और वीरेन चोरी के हीरो का धंधा करते हैं सर। सर वो हमेशा मुझसे झूठ बोला करता था और इस बार भी उसने मुझसे झूठ बोला सर। कह रहा था कि वो ये हीरे शादी की सालगिरह में अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए लाया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हीरे यहाँ बेचने के लिए लाया था। तो ये हीरे किसको बेचने वाला था? सर ये मुझे नहीं पता सर। ये हीरे वीरेन के पास आए कहाँ? ये भी मुझे नहीं मालूम सर। सर एक नंबर का बेईमान था वीरेन, ये बात भी उसने मुझसे छुपाई। सर मैं तो बस इतना चाहता था कि इससे जो भी फायदा हो उसका आधा हिस्सा मुझे मिले सर। सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। चोरी के हीरो का धंधा करता है और कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। चल सर 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 पंकज ये हीरे और ये रतन बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ सर लग तो रहे हैं। सर इस औरत के हार में ये हीरे और जो रत्न है वो वीरेन के पास कैसे पहुंचे? और सर ये औरत कौन हो सकती है? सर सर मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना सर। ये हमें करना क्या है? ये आंटी कौन है ये पता करना है, या फिर ये हीरे कहां से आए ये पता करना है, या फिर वीरेन को मारा किसने ये पता करना है सर। पंकज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक बात का भी जवाब मिल जाए तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। चलो चल। तुम सब ने हमसे झूठ बोला है। तुमने क्या कहा था? तुमने इन हीरो के बारे में कुछ नहीं जानती, देखा नहीं है इसे? लेकिन वीरेन इन्हीं हीरो का हार तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था, चाहता था या नहीं? हाँ सर, लेकिन सर जब मुझे पता चला कि वीरेन ने इसे गलत तरीके से हासिल किया तो मैंने उसे लेने से मना कर दिया था सर। अच्छा जी, और तुम इस होटल में मैनेजर हो हा? तुमने भी यही कहा था ना इन हीरो के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें। लेकिन यहां होटल के गोडाउन में एक तस्वीर है जिसमें इन्हीं हीरो का हार साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन है वो? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हो? सर मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी, और अगर ऐसी कोई तस्वीर है भी तो इस होटल के मालिक हर्षवर्धन जी की माँ की होगी, मानी देवी जी की। इस होटल के मालिक कब से विदेश में है? वो तो पहले से ही बाहर है। ये होटल कुछ 4 महीने पहले खुला है और हमारा पूरा स्टाफ एक एजेंसी के थ्रू आया है। मतलब तुम में से किसी ने भी होटल के मालिक को देखा ही नहीं? नहीं मैम। अच्छा तो आप लोगों में से कोई भी उस हार को या इन हीरों को नहीं जानता? नहीं जानता। पंकज जरा लिस्ट पढ़ो। वीएस कंपनीज के मालिक मीर, सोनकन डायमंड्स की मालकिन कंचन, स्पार्कल वर्ल्ड की मालकिन सोनम। अब बताइए सारे डायमंड डीलर्स एक जगह कैसे? अब आप खुद बताओगे या सीआईडी की मदद की जरूरत है इसमें भी? हमें माफ कर दीजिएगा सर, हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। 2 महीने पहले हमें खबर मिली थी कि यहाँ हीरे और रत्न सस्ते में बिकने वाले हैं, और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए सर। मैं सच कह रही हूँ, हमें नहीं पता कि वो इंसान कौन है जो यहाँ पर हीरे बेचने वाला था। सिवाय आप में से किसी एक को, उस इंसान को पता था कि वीरेन यहाँ हीरे बेचने को आने वाला है, वो भी एकदम सस्ते में, तो उसने सोचा हीरे खरीदे क्यों ना इसे चुरा लिया जाए। एक काम करते हैं,
इस विरेन के ऑफिस में छापा मारना पड़ेगा। एक बार ये पता चल जाए कि विरेन के पास ये हीरे आए कहां से, उस खूनी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अरे अरे अरे, अरे सालों से किसने मार रहा है तू पागल? बस कभी कभी खूनी तक पहुंचने के लिए उसके दिमाग तक पहुंचना पड़ता है। हे भगवान, सालों के पुलिस अकादमी के पहले साल में जो पढ़ाया जाता है वो मत सुना यार। कुछ नई बात बता, इसके बारे में कुछ नया बता, कुछ मिला है तो बता। हाँ, ये देखो, हिरेन के यहाँ पर ये घाव जिसकी वजह से इसकी मौत हुई, दिखने में छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा है। इतना गहरा कि इसमें से धीरे से बहता हुआ खून भी इंसान की जान ले सकता है। सलोके साहब, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा इसे मारने के लिए? सही सवाल है सचिन। खूनी ने ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल किया था जो स्टील का बना हुआ था और आगे से नुकीला था। सलोके, तुझे क्या लगता है किस चीज से मारा होगा इसे? इस चीज से मारा होगा बॉस, ये बर्फ तोड़ने वाला आइस पिक। ये देखो, ये बहुत मजबूत है, स्टील का बना हुआ है, आगे से बहुत नुकीला है, और सबसे बड़ी बात इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये झटके में इंसान के अंदर घुस सकता है और उसके ऑर्गन में छेद कर सकता है। किसी को शक भी नहीं हो सकता कि इससे किसी को मारा जा सकता है। लेकिन सर, वीरेन के कमरे में तो हमें इस तरह का कोई आइस पिक मिला ही नहीं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बंद कमरे में से बाहर निकला कैसे? रेडी, लगता है तुमने एकेडमी में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी, ऐसे घूमते रहो। अरे भाई, बंद कमरे में से कोई बाहर कैसे निकला है तो तभी पता लगेगा ना, जब वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसे वीरेन हीरे बेचने वाला था। जी जी हाँ भी, बिल्कुल टाइम से पहुंचेगा, थैंक यू। अरे अरे, कौन हो आप लोग और अंदर कहाँ घुसे आ गए? मैडम, हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर, और कोई तो नहीं है, बस मैं हूँ, वीरेन सर की सेक्रेटरी। तुम यहाँ पर अकेली हो तो फिर वीरेन के अपॉइंटमेंट भी तुम ही देखती होंगी। मेरा मतलब है, वो किससे मिलने वाला है, कितने बजे मिलने वाला है, कहाँ पर मिलने वाला है, कहीं पे लिख कर रखती हो? जी हाँ, ये डायरी है, इनमें उनकी मीटिंग्स की सारी डिटेल्स मैं लिख कर रखती हूँ। वैसे विरेन की लेन देन, मेरा मतलब है कारोबार की डिटेल भी कहीं पर लिख कर रखती होंगी। कितना माल खरीदा, कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा, हैं? ये रही। ये देखो सचिन, रत्न सुंदरी, 3-3 कैरेट के 10 रूबीज, 2-2 कैरेट के 86 डायमंड्स और 1-1 कैरेट के 84 डायमंड्स। सर कहीं ये तो? बिल्कुल सचिन, बिल्कुल वही। रेडी, देखो जरा वीरेन के बेल्ट में से हमें कितने रूबीज और कितने डायमंड्स मिले। 3 कैरेट के 10 रूबी, 2 कैरेट के 86 डायमंड और 1 कैरेट के 84 डायमंड। ये देखिए, जिसके साथ लेन देन की गई है उसका नाम और पता। हाउस नंबर 24 चिकुवाड़ी, रत्न सुंदरी को किसने बेचा यहीं से पता चल जाएगा। घर तो बुरी तरह जल चुका है। हाँ, ये देखिए सर, किसी बच्चे का खिलौना। हाँ, तो कोई बच्चा था यहाँ इस घर में, क्या क्या हुआ होगा यहाँ पर? सर, 2 महीने पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था,
कैसा हादसा? ये देखिए, वाणी देवी की मौत हुई थी यहाँ इस हादसे में। लेकिन सर, उनका इस घर से क्या लेना देना? सर, घर तो काफी छोटा है और वाणी देवी इस घर में। हाँ, घर है तो छोटा, और फिर वाणी देवी रहने वाली महलों में, उसका क्या काम होगा यहाँ पर? क्यों आई होगी वो यहाँ? सर, हो सकता है वाणी देवी को कोई जोर जबरदस्ती से यहाँ लाया। बिल्कुल हो सकता है, देखते और कुछ पता चलता है क्या। बच्ची थी यहाँ पर, वाणी देवी की नातिन, बच्ची का नाम अक्षरा। ये यार, तू कर क्या रहा है? बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा। अबे क्या दिखाना चाहता है? ये देखो, इसे बेल्ट कितनी टाइट है, कितनी मुश्किल से लग पाई है। सर, अगर इसकी बेल्ट इतनी टाइट है तो फिर ये वीरेन बेल्ट पहनता ही क्यों था? सचिन, इसी बेल्ट में से तो वीरेन हीरे लेके जाता था। सर, लेकिन हीरे छुपाने के लिए वो बड़ी बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकता था, यही बेल्ट क्यों? जयवंती, इसके लिए ये बेल्ट लकी होगी और क्या। सर, फिर भी मर गया ये तो। लेकिन एक बात है बॉस, इसकी बेल्ट ने ही इसे थोड़े वक्त और जिंदा रखा। क्या बताना चाहता है तू, हैं? अबे पहेलियां क्यों बुझा रहा है, बताना जल्दी। अरे पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं बॉस, मैं ये बता रहा हूं, इसे जो घाव लगा है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ लगा है और नीचे बेल्ट कसकर बांध रखी थी। बेल्ट के बंधे होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग थम गई। जैसे ही इसने बेल्ट खोली, इसका घाव भी खुल गया और खून एकदम से बाहर निकल गया और इसीलिए इसकी मौत हो गई। और हाँ बॉस, इसके घाव के लगने में और इसके मरने में लगभग एक घंटे का फर्क रहा होगा। तो ये बात है, इस बेल्ट की वजह से वीरेन की मौत देर से हुई, इस बेल्ट की वजह से। हमें पता चल गया है कि वीरेन का खून किसने किया है, और वो खूनी तुम लोगों में से ही कोई एक है। और कुछ ही देर में एसीपी सर आकर खूनी को गिरफ्तार कर लेंगे। श्रेया, जिस एक बहादुर ऑफिसर को किसी ने मार दिया, किसी ने मार दिया श्रेया को। तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को मार दिया तुमने, श्रेया को मार दिया। सर, संभाल अपने आपको। कैसे संभालू मैं अपने आप को? श्रेया को मार दिया किसी ने। सर, एक मिनट। सर ये इसका पेन है। सर, तुमने मारा श्रेया को? क्यों मारा श्रेया को? क्यों? नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर ये किसका है? ये पेन तो तुम्हारा ही है ना, तो फिर क्यों मारा उसे? एक सीआईडी ऑफिसर का कत्ल किया है तुमने,
जेल में सड़ती बैठोगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरी मम्मा को जेल मत भेजा। मम्मा, मम्मा, मेरे मम्मा ने पीआईडी दीदी को नहीं मारा। हाँ बेटा, आपके मम्मा ने नहीं मारा, श्रेया जिंदा है। रति, वाणी देवी की बेटी और ये अक्षरा तुम्हारी बेटी, ऐसा ही है ना? देखो रति, उस जले हुए घर में तुम्हारे और अक्षरा के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया, और फिर हमने तुम्हारे भाई हर्षवर्धन से भी बात की। वहां से भी पता चला कि तुमने एक गरीब लड़के से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया, और इसीलिए घर वालों ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है सर मैंने। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया, पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी मैं। इसीलिए मैंने हीरो के हाल बेचने का फैसला किया और वीरेन को फोन करके घर बुलाया। तो ये वीरेन तुम्हें पहले से जानता था? नहीं सर, हम कभी नहीं मिले थे, और उस दिन जब वो हीरो का हार लेने के लिए मेरे घर आए। ये वीरेन जी इतना जल्दी कैसे आ गए? माँ, मेरी बच्ची, कैसे हो तुम? कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, अपना नाम भी बदल दिया तुमने। ये किस हालत में रह रही हो तुम? नहीं है मेरे पास रुपए पैसे, नहीं है मेरे पास। मत रो, मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। अक्षु, इधर आ बेटा, देख तेरी नानी आई है, इधर आ। गुड़िया रानी, अपनी नानी पास आओ बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। हार के सौदे के बारे में पता चला तो माँ दुखी हो जाएगी, इससे अच्छा ये है कि मैं वीरेन जी को फोन करके मना कर देती हूँ। चलोगी ना नानी साथ? माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस 5 मिनट में आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ ना अक्षरा के पास। जी। जी, मेरे घर से जाने के कुछ देर बाद ही वीरेन वहां आ गया। हार लेने के लिए उसने पूरा घर तहस नहस कर डाला। वीरेन को हार ले जाता देख माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी माँ को धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। उसने पूरे घर में घासलेट छिड़क कर घर को आग लगा दी, जिससे मेरी माँ और बेटी मर जाए और किसी को इस हार की चोरी के बारे में पता ना चले। माँ ने मुझे मरने से पहले सब बता दिया था, और जब मुझे पता चला कि हर्ष ने हमारी हवेली की जगह होटल खोल लिया है, तब मुझे लगा इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। और इसलिए तुमने शीना बनकर ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और यहाँ पर मैनेजर बन गई। लेकिन अक्षरा के बारे में यहाँ के लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? उसे मैंने कमरे में छुपा रखा था ताकि होटल स्टाफ को भी उसके बारे में पता ना चले। ये अक्षरा की फोटो लॉबी में कैसे आई? माँ की फोटो पहले से ही हर्ष ने वहाँ लगा रखी थी, मैंने माँ की फोटो हटाकर स्टोर रूम में रखवा दी और उसकी जगह पर अक्षरा की फोटो लगा दी हर्ष की बेटी के रूप में। और तुमने वीरेन को उन हीरों का ज्यादा पैसा देने का लालच देकर यहाँ बुलाया है? सर, मैं जानती थी कि वीरेन इतनी आसानी से वो हीरो का हार नहीं बेच पाएगा, इसीलिए मैंने उसे ज्यादा पैसों का लालच देकर यहाँ बुला लिया। और जैसे ही वीरेन वो रत्न सुंदरी हार लेकर आएगा तो उसे मार डालोगे और हार वापस ले लोगे, ऐसा प्लान था ना तुम्हारा? जी सर, सारे ज्वेलर्स को भी मैंने इन्फॉर्म किया था ताकि किसी का शक मुझ पर ना जाए। जब मैं वीरेन को मारने के लिए उसके कमरे में गई,
पे सुपर्ब लग रही है, अमेजिंग। तू भी कुछ कम नहीं लग रहा है, तू भी सुपर्ब लग रहा है। तूने मेरी माँ को मारा है, अब तू मर, वैसे ही तड़प तड़प कर मर जैसे तूने मेरी माँ को मारा था। ये विरेन तुरंत नहीं मरा, उसके पेट में जो घाव था बहुत गहरा था। लेकिन उसने जो बेल्ट बांध रखी थी बहुत कस के बांधी थी, जिसकी वजह से घाव खुला नहीं, पर घाव से खून बह रहा था शरीर के अंदर, और नशे में होने की वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, और इसीलिए विरेन पार्टी में आया। पार्टी में आने के बाद उसने अक्षरा को देखा, जैसे अक्षरा को देखा वो डर गया, उसे लगा कि उसने अक्षरा की आत्मा देखी, बस वहीं से भागा हुआ अपने कमरे में गया, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जैसे उसने बेल्ट खोल दिया जख्म खुली हो गई और खून जोरों से बहने लगा, और कुछ ही देर में विरेन खत्म हो गया। तभी हम में से किसी के समझ में ये नहीं आ रहा था कि खूनी ने खून करने के बाद वो कमरे से बाहर गया कैसे, जबकि खूनी ने अपना काम कमरा बंद होने से बहुत पहले कर दिया था। रति, तुम्हारी मां की मौत का दुख हमें भी है, लेकिन तुमने उसकी मौत का बदला लेना चाहा, और इस बदले की खेल में तुमने अपनी मासूम बेटी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस बेटी का क्या भविष्य होगा, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद उसके क्या हाल होंगे। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हें तो शायद फांसी होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।